तो गाइस आखिरकार फिन बैलर चाहते क्या है सेथ रॉलिंस से? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस बंदे ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। पहली बार उन्हें अटैक किया था मंडे नाइट रॉ को, उसके बाद दूसरी बार उन्हें एनएक्सटी में भी जाकर अटैक किया, उसके बाद लास्ट आज इस मंडे नाइट रॉ को भी आकर अटैक कर दिए। तो गाइस आइए देखते हैं इनके बीच आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर फिन बैलर आज अटैक कर दिए। तो गाइस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होता है, सेथ रॉलिंस आने के बाद कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, और गाइस वहाँ बैठे सारे ऑडियंस इनके थीम सॉन्ग का एंजॉय ले रहे होते। तभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ जो एनएक्सटी चैंपियन है, उनका नाम है कार्मेलो हाइस। और गाइस यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस इनको थैंक्स भी बोलते हैं कि जिस तरह उन्होंने एनएक्सटी में बचाया था फिन बैलर से। तभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि हम दोनों काफी अच्छे रिश्ते हैं, कि जैसे कि मैं एक चैंपियन हूँ उसके बाद तुम भी एनएक्सटी के चैंपियन। उसके बाद सेथ रॉलिंस कार्मेलो हाइस को बोलते हैं कि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं क्योंकि हम दोनों फाइटिंग चैंपियन हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि जब तुम यहाँ से जाना है एनएक्सटी में तो कार्बिन को सबक सिखा देना। उसके बाद गाइस सेथ रॉलिंस आते हैं फिन बैलर के ऊपर, जहाँ बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारा मैच है मनी इन द बैंक में। और तभी सेथ रॉलिंस बताते हैं कि मैंने आपसे पूछा था कि कौन से फिन बैलर होंगे मनी इन द बैंक में, और बोलते हैं कि आज उसका मुझे आंसर मिल चुका है। तभी बोलते हैं कि फिन बैलर वो डरपोक है जो आकर मुझे पीछे से अटैक कर देता है, एक बार नहीं दो बार आकर। और फिन बैलर वो डरपोक है जो आकर पीछे से वार करता है और यहाँ तक नहीं एनएक्सटी में भी पहुंच गया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि उसने मेरी पसलियां भी तोड़ने की कोशिश की, जिससे मैं बाल बाल बचा। वो सोचता था कि अगर इनको हम यहाँ से इंजर्ड कर देंगे तो मनी इन द बैंक में फाइट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि एक बात सोच लेना फिन बैलर, आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अगर चाहते हो तुम तो आकर मुझसे फाइट कर लो, और आज यही देख लेते हैं किसमें कितना ताकतवर है। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं अभी भी मनी इन द बैंक के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो तो आकर अभी निपटारा कर लो, और कहते हैं कि अगर चाहो तो तुम यहीं आ जाओ जिससे कि मैं तुम्हारा यहीं निपटारा कर दूं अच्छे से। उसके बाद गाइस ऑडियंस में बैठे सारे लोग इनके गाना का एंजॉय लेने लगते हैं, जिससे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप फिन बैलर को यहाँ रिंग में देखना चाहते हो, पर वो डरपोक है, वो कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि वो यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं जानता हूँ फिन बैलर, तुम काफी चालाक बन रहे हो अपने आप को, सोच रहे हो वहाँ बैठे बैठे इस टाइटल को ले पाओ जो तुम कई सालों से ऐसा सोच रहे हो, और जो तुम अपने आप को समझते हो कि मैं एक स्मार्टेस्ट स्टेशनर जो कि तुम कभी भी नहीं बन सकते। और गाइस ये सब सेथ रॉलिंस बोल ही रहे होते हैं तभी पीछे से आकर फिन बैलर इनके ऊपर से अटैक कर देते हैं। लेकिन गाइस आज सेथ रॉलिंस यहाँ तैयार थे, इनका नजर पीछे भी था, और जैसे ही फिन बैलर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की वहाँ से सेथ रॉलिंस भी इनके ऊपर अटैक कर दिए। गाइस तभी दोनों रेसलर फाइट करते करते रिंग के बाहर चले जाते हैं, वहाँ काफी भी इनके बीच फाइट देखने को मिलता है, और सेथ रॉलिंस भी आज काफी गुस्से में थे जो कि फिन बैलर इनके ऊपर आकर कई बार अटैक कर चुके थे। उसके बाद गाइस फिन बैलर इनको स्टील चेयर में जाकर लड़ा देते हैं, जहाँ फिन बैलर काफी घायल से हो जाते हैं। उसके बाद गाइस फिर फिन बैलर अपना एक स्पेशल मूव लगाने लगते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, जिससे कि पहले से घायल थे सेथ रॉलिंस। यहाँ जब सेथ रॉलिंस उठने की कोशिश करते हैं और जैसे फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, यहाँ से फिन बैलर भाग जाते हैं। और गाइस यहाँ से जो गुस्सा सेथ रॉलिंस की आंखों में दिखाई दे रहा है, इससे साफ यही पता चलता है कि यहाँ मनी इन द बैंक में काफी बवाल होने वाला है। और गाइस यहाँ फिन बैलर भी काफी समय से फ्रस्ट्रेटेड है, इनका मानना है कि 7 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। देखने यू है कि इनके बीच होने वाला मुकाबला मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर आखिर कौन जीतने वाला है, और क्या कुछ होगा इनके बीच, ये तो देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।